देश भर में गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है और वाराणसी भी इससे अछूता नहीं है। भीषण गर्मी के इस दौर में काशी में स्थापित जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ भी बीमार पड़ गए हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की क्या परंपरा है, तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की धार्मिक मान्यता। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को जलाभिषेक किया जाता है। इस दिन भक्त उन्हें इतना स्नान कराते हैं कि भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इस दौरान उन्हें विशेष काढ़ा दिया जाता है, जिसे सेवन करने के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा स्वस्थ हो जाते हैं। इस विशेष काढ़े को भोग के बाद प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। मंदिर के पुजारी राधेश्याम पांडे के अनुसार यह परंपरा 200 साल से अधिक पुरानी है। भगवान जगन्नाथ को आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा तिथि से 15 दिनों के लिए परवल के काढ़े का भोग लगाया जाता है। इस काढ़े को तुलसी, लौंग, इलायची, मरीच, दालचीनी, सौंफ सहित कई जड़ी बूटियों और मसालों का प्रयोग कर बनाया जाता है। भगवान ज्येष्ठ पूर्णिमा को भक्तों द्वारा स्नान करने से अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ होने पर भगवान एकांतवास में 14 दिन निवास करते हैं और उनको काढ़े का भोग लगाया जाता है, जिसमें काली मिर्च, लवंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, कच्ची चीनी, गुलाब जल, तुलसी का पत्ता भोग लगाकर भगवान के प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है। इसकी मान्यता यह है कि भगवान का प्रसाद जो ग्रहण करेगा उसे साल भर तक किसी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इस काढ़े को तैयार करने के बाद गुपचुप तरीके से भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है और फिर इसे प्रसाद के तौर पर भक्तों में वितरित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त इस काढ़े का सेवन करता है उसे पूरे साल बीमारियों से मुक्ति मिलती है। प्रसाद लेके जाते हैं और उनको आते हैं, उसके माफी मांगते हैं और प्रसाद लेके जाते हैं। उनके प्रसाद से सभी रोग बलाएं दूर हो जाते हैं। प्रसाद में उनकी बहुत शक्ति है बाबा का, इसीलिए सब लोग आते हैं। जिस दिन से शुरू हुआ था उसी दिन से हम लोग प्रसाद लेके जाते हैं। परंपराओं के अनुसार 15 दिन बाद जब भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र इस काढ़े का सेवन कर स्वस्थ हो जाते हैं, तो वे श्वेत वस्त्र धारण कर रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं, जिसे रथयात्रा कहा जाता है। भीषण गर्मी के इस दौर में भगवान जगन्नाथ की यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भक्तों के लिए एक विशेष अवसर भी है। यह काढ़ा न केवल भगवान को स्वस्थ करता है, बल्कि भक्तों को भी बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। तो अगर आप वाराणसी में हैं, तो इस अद्भुत परंपरा का हिस्सा बनें और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन को निरोगी बनाएं।